सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे पवित्र मेज का बनाए जाना और ये हमें देखने को मिलता है निर्गमन की किताब उसकी 10वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक। यदि आपके पास भी बाइबल है तो हमारे साथ आप भी खोल लीजिए निर्गमन उसका 37वां अध्याय की 10 से लेकर 16 आयत तक, जहाँ आज हम देखेंगे पवित्र मेज का बनाए जाने के बारे में। और यहाँ पर जो मिस्त्री है वो है बसलेल और उसकी चर्चा भी यहाँ की गई। नाम नहीं लिखा है लेकिन जहां तक हम समझ रहे हैं लिखा हुआ है। फिर उसने बबूल की लकड़ी की मेज बनाया, अर्थात किसने? बसलेल ने। उसकी लंबाई 2 हाथ, चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की थी। और उसने उसकी चोखे सोने से मढ़ाई भी की और उसमें चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाई। और उसने उसके लिए 4 अंगुल चौड़ी एक पटरी और इस पटरी के लिए चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाई। उसने मेज के लिए सोने के 4 कड़े ढालकर उन 4 कोनों में लगाया जो उसके 4 पायों पर थे। वे कड़े पटरी के पास मेज उठाने के डंडों के खानों के काम देने को बने। उसने मेज उठाने के लिए डंडों की बबूल की लकड़ी से बनाया और सोने से मढ़ा, जैसा कि यहोवा परमेश्वर ने मूसा को सीने पर्वत पर आज्ञा दी थी। बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग ये सारा काम है किया जा रहा था। पवित्र मेज यहाँ पर बनाई जा रही है। और उसने मेज पर का सामान अर्थात परात, धूपदान, कटोरे और उंडेलने के बर्तन सब चोखे सोने के बनाए। जो जो सामान मेज के ऊपर रखा जाना था वो सारा सामान है वो बढ़िया उच्च क्वालिटी का बनाया जाता है। तो आज हमने देखा पवित्र मेज का बनाया जाना। अगले वीडियो में हम देखेंगे सोने की दीवट का बनाया जाना। यदि आप इन वीडियो को देखकर कंफ्यूज हैं कि इनमें क्या बताया जा रहा है तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बाइबल के अंदर लिखा गया एक एक वचन है वो चमत्कारी है, शक्तिशाली है और परमेश्वर की अगुवाई में लिखा गया है। और बड़े ही सोच समझ कर हर एक इसके अंदर जो अध्याय को, हर एक विषय को, हर एक वर्ड को लिखा गया है। कोई बात आपकी समझ में आए न आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वचन, वो लिखी हुई बात आपके जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करती है यदि आप उसको पढ़ते हैं या सुनते हैं। इसलिए निरंतर हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और अपने जीवन के अंदर आशीष और बरकतें हैं वो उंडेलते रहिए। आज की इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे सबको। जय मसीह की।